चार घंटे में तेल ठोक देता है, उसे उन लोगों का हक देने में दिक्कत आती है जो इसके हकदार हैं, वो चाहे आंगनवाड़ी बहने हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, और इनसे भी बुरी हालत, इनसे भी बदतर हालत, जो बहने मिड डे मील का खाना बनाती हैं, मात्र 1000 रुपए, केवल 1000 रुपए महीने का उन्हें मिलता है। 1000 तो यार है, तो भिखारी भीख मांगने जाए उससे ज्यादा तो वो भी कमा लेता है, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। और कोई उनकी बात कहने को तैयार नहीं, कोई उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। जहां तक किसानों की बात है, अभी मैं मिलकर आया, सारे साथियों से मिला, इस साल में गन्ना पिराई का जो सीजन चला हुआ है, अभी तक पैसा नहीं मिला। गन्ना मिलों में चला गया, मिल गया, चीनी बन गई और व्यापारियों की जेब में पैसा आ गया, सरकार को उसका हिस्सा चला गया, लेकिन किसान को अभी उसका पैसा मिला नहीं। माननीय मोदी जी ने 2014 में बड़ी जबरदस्त घोषणा की थी, जहां जाते थे गला फाड़ के उन्होंने घोषणा की, मोदी को वोट दीजिए, ये वोट बीजेपी को नहीं मोदी को है। और कहा, जो नौजवान है उनसे कहा, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को। और श्रीमान जी ने इसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाया, उसमें 4.5 करोड़ लोगों ने, नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन मात्र 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे चुके, केवल 2.5 लाख लोगों को। झूठ की कोई सीमा होती है, लेकिन इनके लिए कोई सीमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए